हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में मैंने इस डिज़ाइन का फर्स्ट पार्ट आपको सिखाया था। आज की वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट आपको सिखाऊंगी। और जो पिछले वीडियो का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे इसका सेकेंड पार्ट, मैं आपको सिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में मैंने थालापोश का फर्स्ट डिज़ाइन सिखाया था। आज की वीडियो में मैं इसको आगे बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ तक अपना डिज़ाइन बना लिया है, आगे मैं इसमें अपना दूसरा कलर लगाऊंगी। तो ये मैंने येलो कलर लिया है, आप इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं। स्लिप नॉट लगाओ या फिर ऐसे ही इसको धागे को जोड़ लेते हैं। तो मैंने ये धागे को इसमें जोड़ लिया। अभी देखो इसमें 1, 2, 3 चैन बनाएंगे। और इसमें देखो यहाँ पे मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, ऐसे इसको पूरा नहीं निकालना, हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें ऐसे ही बनाना है, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, इसमें हाफ डबल क्रोशिया। तो एक हाफ, एक लूप, 2 और 3, तो हमारे ये हाफ डबल क्रोशिया, ये इसमें 4 लूप बन गए हैं हमारे, 4 हाफ डबल क्रोशिया इसमें बन गए हैं। इन चारों को हम एक साथ निकाल देंगे, फिर एक और 2 चैन लेंगे। और अभी नेक्स्ट वाले में हमें बनाना है, तो ये ऐसे किया, 1, 2, तो 1 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और ये 4 हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। तो अब की बार हमारे इसमें 5 लूप बनेंगे, 5 लूप्स, ये एक हमारे इस डिजाइन की बनेंगे। तो इनको हम एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। फिर इसमें 2 चैन बनाएंगे। अगर आपके इसमें थोड़ी कर्ली है, झोल आ रहा है, तो इसमें आप 1 चैन भी बना सकते हैं। तो फिर हमें ऐसे ही अपना पूरा राउंड ये 4 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बना के और लूप को एक साथ निकालना है। तो इसी तरह मैं आपको ये पूरा राउंड बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। 3 चैन बना के हमें जो ये 3 चैन बनाई थी पहले, उसमें हम इसको ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से और अपने उनको यहाँ पे कट कर देंगे। अभी मैं इसको बाद में फील कर देती हूँ। अभी हम इसमें अपना ये अपना जो हमारा कलर था बेस का, वही अपना बनाना है हमें। उसी ऊन से स्लिप नॉट लगाएंगे, थ्री चैन बनाएंगे। तो 1 तो डबल क्रोशिया हमारा ये हुआ, और इसमें 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, यानी कि 4 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। फिर 2 चैन बनानी है, और फिर इसी जगह हमें डबल क्रोशिया बनाना है 4 टाइम। जो नेक्स्ट वाली जो हमारी जाली है उसमें हम इसको हमें इसमें 2 चैन बनानी है, और इस जाली में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट वाली जाली में हम 1 डबल क्रोशिया, फोर टाइम बनाना पहले,
चार बार डबल क्रोशे बनाने के बाद एक दो चैन बनाएंगे और फिर यही हमें इसी जाली में एक बार और डबल क्रोशे बनाना है, यानी कि एक जाली में दो बार डबल क्रोशे बनाने हैं, फोर टाइम, चार बार, ठीक है, चार डबल क्रोशे बनाने हैं। और फिर हम अपना टू चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे अगली वाली जाली में एक डबल क्रोशे, फिर टू चैन बनानी है और अगली वाली जाली में वही हमें एक डबल क्रोशिया, दो, तीन और चार और फिर एक जाली, सॉरी दो जाली और फिर चार डबल क्रोशिया। इसी तरह हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट करना है। मैं आपको पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। राउंड कंप्लीट कर लिया है, अभी हम इसकी जो थ्री चैन थी इसमें इसको जॉइंट कर देंगे। स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करके अपनी ऊन को कट कर लेंगे, ठीक है। अब हम अपने जो हमारा सेंटर में डिज़ाइन था, डिज़ाइन का जो मैंने थाल क्रॉस बनाया है वही कलर हमें ऐड करना है इसमें। थ्री चैन बनाएंगे और फिर इसी जगह हमें टू डबल क्रोशिया बनानी है, दो डबल क्रोशिया बनानी है। अगर आपकी ऊन बारीक है तो आप थ्री की जगह फोर डबल क्रोशिया भी बना सकते हो, अगर आपकी ऊन मोटी है तो इसमें थ्री डबल क्रोशिया बनाना है। फिर बिना चैन बनाई है हमें नेक्स्ट में ऐसे ही थ्री डबल क्रोशिया बनाना है, इसमें बीच में चैन नहीं बनानी, ठीक। फिर दोबारा से नेक्स्ट पे हमें थ्री डबल क्रोशिया, ऐसे ही हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखना फ्रेंड्स, मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे इसको जो थ्री चैन थी उसकी थ्री चैन में हम इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से, ठीक है। अभी मैं अपने उनको कट करके यहाँ पे मुझे सेकंड कलर इसमें लगाना है, दूसरा कलर, ठीक है। इसके बाद आप दूसरा कलर लगाएंगे, वो वाइट ही लगाना, ठीक है। ये देखो ये मेरा बन गया है ऐसे राउंड। अब मैं यहाँ पे अपना सेकंड कलर, दूसरा कलर इसमें वाइट ही लगाऊंगी। ये मैंने वाइट कलर लिया है, इसमें स्लिप नॉट लगा के ये जो थ्री चैन है इसकी फर्स्ट जो एक चैन में इसको जॉइंट करना, जो मैंने ये एक डबल क्रोशिया बनाया थ्री टाइम बनाया था ना डबल क्रोशिया, तो इसके फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया की चैन में इसको जॉइंट करना और यहाँ पे थ्री चैन बनानी है। अब देखो इसमें डबल क्रोशिया बनाना और इसमें डबल क्रोशिया बनाना, तो एक, दो और ये तीन, तीनों में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें थ्री चैन बनानी है और जो ये हमने डबल क्रोशिया बनाए थे थ्री टाइम उनको हमने छोड़ना है, स्किप करना है, और जो फर्स्ट वाले डिज़ाइन में थ्री डबल क्रोशिया है इस पर दोबारा से हमें
थ्री डबल क्रोशिया बनाना है हर एक चैन पे। अब की बार हमें वर्क जो है डबल क्रोशिया के ऊपर चैन है उसमें ही करना है। फिर थ्री चैन बनाएंगे और ये वाला डिजाइन हम छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले पे हम थ्री डबल क्रोशिया, पहले डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, ये देखना फ्रेंड हमें ऐसे बनाना है, थ्री डबल क्रोशिया जो थे उनके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर जो थ्री डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर हमें थ्री चैन बनानी है, फिर उसके ऊपर हमें जो थ्री डबल क्रोशिया उनके ऊपर थ्री डबल क्रोशिया, इसी तरह हमें अपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपका ये पूरा बनाना सिखाऊंगी। आशा करती हूँ आपको इतना डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।